हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो हमारी लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एनपीओ। आज हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लेट्स बिगिन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? हमने हमारी लास्ट वीडियो में थोड़ा सा पढ़ा है, बेसिक सा पढ़ा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। जो बिजनेसेस होते हैं जिनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, तो वो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो लेकिन जो एनपीओज होती हैं, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक तो हम उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं या फिर लॉस कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होंगी, एक्सपेंसेस कम होंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, इनकम कम होगी, तो क्या होगा, लॉस। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस। लेकिन हम यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या निकालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होता है, उसे क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्या बोलते हैं, सरप्लस। और जो लॉस होता है, जब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होता है, एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होते हैं, इनकम्स कम होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डेफिसिट। तो जब प्रॉफिट होगा उसे हम बोलते हैं सरप्लस, और जो लॉसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेफिसिट। तो हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, हम इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे जो करंट ईयर की इनकम्स हैं वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है या जो एक्सपेंडिचर हैं वो इनकम से ज़्यादा है। तो ये कब बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कब बनाते हैं हम इसको, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को कब बनाएंगे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, फॉर अ पर्टिक्यूलर अकाउंटिंग ईयर। किसी एक पर्टिक्यूलर ईयर में कितनी इनकम्स हुई, कितने एक्सपेंसेस हुए, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी यहाँ हमें क्या होगा, सरप्लस। तो हम इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, करंट ईयर की, लेटेस्ट ईयर की, जिस अकाउंटिंग ईयर के हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर की। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर ईयर्स के सरप्लस और डेफिसिट को कैलकुलेशन की जाती है। कैसे की जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे करते थे, कैसे करते थे, होल रेवेन्यू नेचर इनकम्स कहाँ लिखते थे, राइट साइड। और जो सारे एक्सपेंडिचर्स होते थे, एक्सपेंसेस होते थे, उनको हम कहाँ लिखते थे, जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस होते थे उन्हें हम कहाँ लिखते थे, लेफ्ट साइड। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, वी विल रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस और इनकम्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऑल इनकम्स टू बी रिकॉर्डेड ऑन राइट साइड एंड ऑल एक्सपेंडिचर्स आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन लेफ्ट साइड। और अगर हमारी राइट साइड ज़्यादा होगी, हमारी इनकम ज़्यादा होंगी, तो हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। और अगर हमारे एक्सपेंडिचर्स ज़्यादा होंगे, एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो क्या होगा, डेफिसिट। सो नाउ वी विल डू फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सम स्पेशल फीचर्स। नंबर वन, नेचर ऑफ अकाउंट। जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका नेचर क्या है, कौन सा अकाउंट है, क्या रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस। तो हमारा कौन सा अकाउंट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट पर कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं उनको क्या कर दो, डेबिट, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जितनी भी इनकम्स और गेन्स हुई उनको क्या करना है, क्रेडिट। तो जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका नेचर कैसा है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नंबर टू, नेचर ऑफ आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड। हम इसमें किस नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, हमने अभी पढ़ा, हम यहाँ क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स।
कैपिटल नेचर की नहीं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस वी विल रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नंबर थ्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. जब हम रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से, और फिर लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस. जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है वो क्या होती है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस. बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैश का ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता. यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं. तो जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो कैश नहीं होता. सो देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता कैश का. नंबर फोर, एडजस्टमेंट्स. हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे, एडजस्टमेंट्स करते थे डेप्रिसिएशन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की. जो हमारे खर्चे करंट ईयर के हैं लेकिन वो अभी पे नहीं किए, या हमें एडवांस में रिसीव हो गए या एडवांस में पे किए, तो हम क्या करते थे, इसमें इनके एडजस्टमेंट्स करते थे. सो ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू करंट ईयर, जो करंट ईयर की है उसके रिगार्डिंग हम सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं इसमें. ऑल एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू करंट ईयर लाइक डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, खर्चे हैं अभी पे नहीं किए, पे नहीं किए करंट ईयर के हैं तो इसमें आएंगे, करंट ईयर के हैं तो करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंडिचर में आएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने पहले ही पे कर दिए, करंट ईयर के खर्चे नहीं हैं, करंट ईयर के खर्चे नहीं हैं, पहले ही पे कर दिए तो क्या कर देंगे, करंट ईयर के नहीं हैं तो हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे. सो वी विल डू ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू करंट ईयर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नंबर फाइव, इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम और एक्सपेंसेस कौन से पीरियड के करते हैं, करंट ईयर के. कौन से पीरियड के करते हैं, करंट अकाउंटिंग ईयर के, जिस अकाउंटिंग ईयर के हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं. सो वी रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस हेयर, करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट ऑफ प्रीवियस ईयर. हम जो प्रीवियस ईयर के खर्चे हैं वो इसमें नहीं डालते, एंड ना ही हम उसमें नेक्स्ट ईयर के खर्चे इंक्लूड करते हैं. हम इसमें क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नॉट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर. प्रीवियस ईयर के अगर खर्चे होंगे या इनकम्स होंगी तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, डिडक्ट कर देंगे. नेक्स्ट ईयर के होंगे तो क्या करेंगे, उनको भी हटा देंगे. सिर्फ और सिर्फ ओनली वी विल रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स हेयर. पर्पस, हम किस लिए बनाते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, हम क्यों बनाते हैं, टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट. किस लिए बनाते हैं, डेफिसिट या सरप्लस की कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा सरप्लस या डेफिसिट क्या है. सरप्लस कब होगा, जब हमारी इनकम होंगी वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होंगी, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर्स. और डेफिसिट कब होगा, जब हमारे जो एक्सपेंसेस हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर्स ओवर इनकम. तो हमारा जो मेन पर्पस है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का वो क्या है,
टू कैलकुलेट सरप्लस एंड डेफिसिट। सो हमने पढ़ा कि हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब हम करेंगे कि डिफरेंसेस क्या है रिसीट और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रिसीट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, आज हमने पढ़ा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, लेकिन इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने पढ़ा था कौन सा टाइप है, कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, इट इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट, तो ये क्या है रियल अकाउंट। और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, अभी हमने पढ़ा क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम्स और एक्सपेंसेस, तो ये क्या है, दिस इज नॉमिनल अकाउंट। नंबर टू नेचर ऑफ अकाउंट, जो हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या है, आर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ कैश बुक, ये क्या है कैश बुक की समरी। हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कैश बुक में जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हैं उसकी समरी है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किसके जैसा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे। नंबर थ्री साइड्स, हमारी रिसीट्स एंड पेमेंट्स की कितनी साइड होती हैं, दो साइड, जो लेफ्ट साइड होती है वो कौन सी होती है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड रिसीट साइड, हम लेफ्ट साइड पर क्या रिकॉर्ड करते हैं रिसीट्स, और राइट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट्स। यहाँ पर भी क्या होता है दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, क्या रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस, और राइट साइड पर हम क्या रिकॉर्ड करते हैं इनकम्स। नंबर फोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, हमने अभी पढ़ा कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसमें क्लोजिंग कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की रिकॉर्डिंग नहीं होती, सो देयर इज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कैश की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते। बट हमारा रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट कैसे स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये कैश की ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है, एंड इट ऑल्सो एंड्स विद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंड बाय कैश वी हेयर मीन बैंक ऑल्सो, कैश एंड बैंक। अब यहाँ पर जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो कुछ नहीं होता, कैश का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, बट जो हमारा बैलेंसिंग फिगर होती है, बैलेंसिंग फिगर उसे हम क्या बोलते हैं, अगर अगर इनकम ज़्यादा होंगी तो क्या होगा सरप्लस, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो क्या होगा डेफिसिट, और यहाँ पर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी, इट विल बी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। नेक्स्ट नेचर ऑफ आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड, हमने अभी पढ़ा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कौन से नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू नेचर आइटम्स, हम यहाँ पर क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं केवल रेवेन्यू नेचर की आइटम्स। बट हम रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, वी रिकॉर्ड बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स, चाहे कैपिटल नेचर की पेमेंट रिसीट हो या रेवेन्यू नेचर की पेमेंट रिसीट हो, हम यहाँ दोनों ही इंक्लूड करेंगे। टाइम पीरियड ऑफ इनकम और एक्सपेंस, हम जो यहाँ एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कौन से टाइम पीरियड के रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने अभी पढ़ा हम इनकम और एक्सपेंडिचर में कौन से टाइम पीरियड के खर्चे इंक्लूड कर रहे हैं, ओनली ऑफ करंट ईयर, हम करंट ईयर के खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं, करंट ईयर की इनकम्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वी डोंट इंक्लूड हेयर पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस, हम इनकी रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं करते। लेकिन हम रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर दीज आर रिलेटेड टू करंट ईयर लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर, लेकिन हम इनकम और एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर के जो
इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, इनका रिकॉर्ड रखते हैं पास्ट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का नहीं। नंबर 7, एडजस्टमेंट्स ऑफ लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शंस। हम रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं, सारी की सारी आइटम्स इंक्लूड करते हैं, सारी की सारी कैश रिसीट्स और पेमेंट्स इंक्लूड करते हैं, ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। तो हमें यहाँ एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें यहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हमारी मेन कंडीशन क्या है, जो कैश रिसीट और पेमेंट है वो करंट ईयर में होनी चाहिए, चाहे वो करंट ईयर की हो, लास्ट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो। बट इन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्या करते हैं, वी रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो हमें क्या करना है, जो पास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको एक्सक्लूड करना है। सो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी रिक्वायर टू कंसीडर एडजस्टमेंट्स। नंबर 8, बैलेंस शीट। इट नीड नॉट नेसेसरीली बी अकम्पनीड बाय अ बैलेंस शीट। यह जरूरी नहीं है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है वो बैलेंस शीट के साथ हो। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश की रिसीट्स और पेमेंट्स। कौन से नेचर की करते हैं, दोनों, कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो जब दोनों ही ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड हो गई तो यह जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट रिसीट्स एंड पेमेंट के साथ हो। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द बैलेंस शीट। इसको हम जब रीड करते हैं तो हमें साथ में बैलेंस शीट की भी जरूरत है। क्यों है? बिकॉज इसमें हम कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू नेचर की, जो रेवेन्यू नेचर के इनकम और एक्सपेंसेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जब हमें कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी होगी तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस शीट की। तो इसीलिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द बैलेंस शीट, एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नॉट नेसेसरली टू बी अकम्पनीड बाय अ बैलेंस शीट। एंड लास्ट, ट्रांसफर ऑफ क्लोजिंग बैलेंस। हम जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो रिसीट्स ऑन पेमेंट अकाउंट होता है, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंसिंग फिगर होती है, वो क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और हम इसको कहाँ लेकर जाते हैं, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर ये हमारा क्या बन जाता है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। बट यहाँ पर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होती है, सरप्लस और डेफिसिट। क्या होता है, सरप्लस और डेफिसिट। तो इसको हम कहाँ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, इसको हम एडजस्ट करते हैं कैपिटल फंड में। कहाँ एडजस्ट करते हैं, इन कैपिटल फंड। अगर सरप्लस होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और अगर डेफिसिट होगा तो क्या होगा, हमारा जो कैपिटल फंड है वो कम हो जाएगा। तो हम इसको कहाँ लेकर जाते हैं, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज हमने किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये आज हमने यहाँ पर हमारे थ्योरी के दो क्वेश्चंस कवर कर लिए कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स बताएं, और डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एनपीओ है वो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। जो एनपीओ है वो एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसीलिए यहाँ पर थ्योरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकल। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।